हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। शुक्र है खुदा का, मैं भी ठीक हूँ, आगे से बेहतर हूँ। आपको तो पता है मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मुझे चोटें लगी थी। तो आज मेरे गेस्ट आए हैं मेरा हाल चाल पता करने के लिए। आप देखिए, ये मेरे गेस्ट आए हैं। ये मेरी भतीजी है, मेरे भाई की बेटी है, और ये भी मेरी भतीजी है। ये नन्ना मुनासा भी मेरा हाल चाल पता करने के लिए आया है कि मेरी नानो को क्या हो गया। ये देखिए जरा, ये देखो प्यारा सा है, ये देखो ये बड़ा चलाकू है, वो देखो सर, हाय बोल दो, हाय बोल दो ना, हाय बोल दो। ये इसका बेटा है, ये मेरी भतीजी है, इसका बेटा है, मैं इसकी नानो लगती हूँ। और ये काफ़ी गेस्ट आए, इनके लिए आज मैं रेसिपी तैयार करने लगी, खाना वो आपको दिखाऊंगी अभी। और मैं बनाने लगी इनके लिए, तो आप लोगों से शेयर अभी मैं करती हूँ जो करना। और इनसे ज़रा मिले, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं अपनी पुप्पो की तरफ आई हूँ अपनी पुप्पो का हालचाल पूछने के लिए। मुझे पता चला था तो आज वो हमारे लिए कुछ रेसिपी बनाएंगी। हम मैं तो नहीं चाह रही थी कि मेरी पुप्पो ठीक नहीं है तो वो रेसिपी बनाए, पर वो फिर भी चाह रही है कि मैं अपने चैनल के लोगों के लिए बनाऊं। तो वो इस वजह से आप सबके लिए, आप वो हमारे लिए तो हम लोगों ने तो खाना है, पर आप लोगों को, आप लोगों के लिए बताने के लिए वो करेंगी। तो आप प्लीज लाइक कीजिएगा उन्हें, ठीक है? अभी ये छोटी है मेरी भतीजी, ये जरा शर्मा नहीं दे रहा, मेरा आ गया, आ गया, आ गया। गाइस कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। और मेरी फूफो को अच्छे से तरीके से लाइक कर, आपको कहाँ चोट लगी है? ये बहुत चलाकू है, चमकदार बच्चा है, और देखिए ये कितना क्वीस है, ये बड़ी बातें करता है। ये देखो, वो देखो, अपने मामो जैसा है और अपने मासो जैसा भी लगता है। ये देखे टांगे मार है, मुझे कह रहा नाना आप कैसे हो, कि मेरा हाल चाल पूछने के लिए आया हुआ है। अच्छा आपने क्या खाना मुझे बताओ, मैं बनाऊंगी क्या खाना? इधर देखो आपने क्या खाना, वो चैनल के आगे बोलो ना, वो सीधा बोलो। अच्छा ऐसे बना दे, ऐसे बना दे इसकी वीडियो। ये देखिए ये बिरयानी खा रहा है, इसको बिरयानी बहुत पसंद है, ये बिरयानी खा रहा है, ये बाजार की बिरयानी। हाय कर दो, हाय कर दो, ऐसे हाय कर दो, हेलो करो, हेलो बाय, चलो अपा कर दो, चलो अपा कर दो, अपा कर दो, आइसक्रीम कर दो, आइसक्रीम करो, जा बेचारा अंडे है। ये देखो ये जंप लगा रहे, लगा ये बड़ा शेर बच्चा है, आइसक्रीम कर दो, कहता मैंने नीचे जाना है, ये जंप लगा रहा है, आइसक्रीम कर दो। चलो ठीक है, मैं चले ठीक है, आप लोगों के लिए रेसिपी तैयार करती हूँ, और गेस्ट वगैरह के लिए भी मैंने अब खाना तैयार करना है, तो चले ठीक है, मिलते हैं। आप तैयार करने लगी हूँ, और ये प्याज है, प्याज इसमें जाएंगे, दो बड़े वाले प्याज हैं, ये मैंने घी डाला है इसमें। सबसे पहले मैं प्याज को फ्राई करूँगी, जब प्याज ब्राउन हो जाएंगे ना इसको मैंने निकाल देना है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये बाद में मैंने डालना है, सिर्फ अभी प्याज डाल रही हूँ। प्याज डाल के ना, तो इसको प्याज को जब ब्राउन हो जाएंगे ना, फिर बाद में चिकन का करना। अच्छा ये भी लिखा, और ये एक किलो मुर्गी है, एक डेढ़ किलो मुर्गी है, बल्कि हाँ डेढ़ किलो मुर्गी है। और ये दो, ये दो टमाटर हैं, छोटे वाले दो टमाटर हैं, ये वो है सूखा धनिया एक चम्मच, हल्दी एक चम्मच, एक चम्मच मैंने लाल मिर्च के लिए, और एक नमक का चम्मच लिया। आपने रेसिपी तैयार करने लगी आज, दो से दिखाऊँगी। और अदरक लहसुन बाद में, अभी प्याज डाला है, प्याज को ब्राउन करने लगी, प्याज को ब्राउन करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हेलो, नन्ना मुनासा भी मेरे पास आके खड़ा हो गया, ये देखें क्यूट सा बेबी है, उसके साथ मैंने भी रेसिपी देखी, ये देखें मुझे मार रहा है, वो देखें, छोड़ दो, छोड़ो पूरी बात, ये छोटी है, सॉरी करो, सॉरी, चलो हाय कर दो, हाय कर दो, हाय हाय करना। गाइस अभी मम्मा प्याज ब्राउन कर रही हैं, और हम की मेरी कजन हम लोग देख रहे हैं, ये देखें आप देख सकते हैं, अभी आपको दिखाती हूँ। मम्मा से खाना सीख रहे हैं, मम्मा से हम दोनों खाना सीख रहे हैं, इसे तो बिल्कुल बनाना नहीं आता, आता पास खड़े हुए हैं, ब्राउन हो रहे हैं, इसको जब ब्राउन हो जाएंगे ना, इसको मैंने निकाल देना प्याज को, प्याज को फिर इसको पीस के ना, तो फिर इसमें चिकन डाल के, चिकन को मैंने फ्राई करना है, चिकन अदरक लहसुन डाल के फ्राई कर लूंगी। आप लोगों को दिखाती हूँ, मेरी कजन और मैं सीख रहे हैं मम्मा से, अभी ब्राउन हो रहा है, प्याज ब्राउन हो जाएगा ना, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के, कि प्याज निकाल के इसको मैंने ना पीस लेना। ये मैं निकालने लगी हूँ, प्याज ब्राउन, काफी ब्राउन हो गया, इसको मैंने निकाल देना। ये देखें, ये देखें, ये प्याज प्लेट में निकाल रही हूँ, ये देख लें, सारा प्याज निकाल देना इसमें, ये देखें मम्मा प्याज सारा निकाल रही हैं, और इसमें काफी ब्राउन हो गया है,
तो कोरमा बनाना है ना, तो ये सारा प्याज मैंने भी तो माफ हो गया। ये देखिए कि मैंने सारा प्याज निकाल लिया है, ये देखिए मैं चिकन ऐड करने लगी हूँ, इसको मैंने ना पीस लेना है। ये पड़ेगी, ये देखिए ये चिकन डाल रही है इसमें सारा, ये सारा आ जाएगा। इसको मैंने इसमें फ्राई करना है चिकन को, ये साथ में चिकन है क्योंकि इसमें ना पानी है ना, इसलिए साथ में ये मम्मी चिकन डाल दिया इसमें। हाँ चिकन को अब मैं फ्राई कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं चिकन डाल दिया है। चिकन को हल्का सा ब्राउन करके ना उसमें अदरक लहसुन डालना है। हाँ जी, अभी चिकन फ्राई होगा ना फिर आपसे मिलते हैं। अभी चिकन फ्राई हो गया। आगे बच्चों ने बहुत ज़्यादा शोर किया हुआ था क्योंकि वो हमारी वो सूजी है, हमने वो डॉग रखा हुआ ना तो उसका नाम सूजी है, तो उसके साथ बच्चे खेल रहे थे इसलिए ज़्यादा शोर आ रहा था। तो आप बच्चों को मैंने मना किया कि शोर नहीं करना, आप लोगों ने वीडियो फिर सही नहीं आती, आवाज़ सही नहीं आती। तो ये देखें चिकन ब्राउन हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं ये देखें। और ये प्याज को मैंने ना ये देखे इसमें मैंने पीस लिया है, ये मैंने इसको पीस लिया इसके अंदर ही, मैंने ब्राउन किया जो प्याज है, ये जो मैंने प्याज ब्राउन किए थे ना उन प्याजों को मैंने पीस लिया, अब इसको मैंने इसमें ऐड करना है चिकन में। चिकन ब्राउन हो गया और चिकन के साथ ही ये ना इसमें मैंने ना हरी मिर्चें भी दो ना पीस ली हैं, इसमें आप देख सकते हैं हरी मिर्चें भी हैं दो और थोड़ी सी मैंने काली मिर्चें डाली हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है ये इसमें जाएगा, इसको भी साथ इसके अच्छी तरह भून लेना है, अदरक लहसुन को भी इसके साथ ही भून ले। ये देखें इसके साथ ही भुना जाएगा, इसके बाद मैंने जो प्याज किया हुआ वो भी इसमें डालना है। ये देखें जो मैंने प्याज को ब्राउन किया था ना उसको मैंने ना पीस के इसमें डालने लगी, ये चार तीन ये सारी चीज़ें चली गई इसमें, अदरक लहसुन का पेस्ट भी चला गया है, उसमें मैंने काली मिर्चें भी पीसी हुई थी और दो तीन मैंने हरी मिर्चें भी पीसी हुई थी। इनके साथ ये जाए ये मसाले देख सकते हो, ये टमाटर, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया पिसा हुआ, ये देखिए ये भी मैं ऐड करने लगी इसके साथ। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना तब इसको ना भूनूंगी अच्छी तरह, पहले इसको पानी डाल के थोड़ा सा ये मसाला जल रहा है इसमें थोड़ा सा पानी डालने लगी, इसमें दे ही जाएगी तीन चार चम्मच देंगे आपने डालने हैं, ये देने चार चम्मच मैंने डाल दी, चार पांच डाल दें क्योंकि जितनी भी अच्छी दही हो दही डालोगे ना उतना ही अच्छा जायका आएगा। चार पाँच चम्मच मैंने देंगे डाले हैं उसमें साथ में ना, ये देखिए मैं तो बिरयानी लाया है, ये कौरमा मसाला है, इसमें मैंने थोड़ा सा ऐड करना है क्योंकि इसमें काफ़ी मैं मसाले आगे भी डाले हैं तो ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, तो सिर्फ ये थोड़ा सा है ना सिर्फ इसका जायका लाने के लिए ना थोड़ा सा मैंने डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा एक स्पून समझ ले कि मैंने इतना डाला जी। ये इसको करके ना भून के ना दही मैंने डाल दी है, जब ये भुना जाएगा अच्छी तरह उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करके ना बस इसको बना देंगे। देखिए कितना अच्छा भुना गया, ये देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है कौरमे मसाले, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, हालांकि मैंने थोड़ा सा ऐड किया है एक चम्मच के जैसा बस ऐड किया है एक स्पून जितना, और इसमें इसलिए नहीं मैंने सारा डाला क्योंकि मैंने काली मिर्चें भी काफ़ी इसमें डाली हैं तो लाल मिर्चें भी काफ़ी डाली हैं, इस वजह से मैंने ना वो थोड़ा सा आधा डाला है मैंने तो अब इसमें पानी जाएगा। ये देखिए एक गिलास पानी का डाल रही हूँ, एक गिलास पानी में ये पक जाएगा ठीक है ना, ये चिकन वगैरह तो इसी में हम इसका वेट करेंगे कौरमा बनने में, ये कौरमा आप जब तैयार होगा आपको दिखाएंगे। दिखाएँगे जाने लगा इसमें और मैंने एक गिलास और पानी का ऐड इसमें कर दिया क्योंकि मैंने कहा थोड़ा सा डाल देती हूँ ताकि ये ना इसमें शोरबा सा थोड़ा सा बन जाए, ग्रेवी टाइप बन जाए, ये देखिए ठीक है ना। अब ये जब खुशक होगा ना ग्रेवी वाला बस मैंने बनाना है ताकि इसमें चिकन भी वगैरह भी गल जाएगा, ये देखिए चिकन गल जाएगा ना, इसलिए मैंने एक गिलास पानी का और ऐड कर दिया इसमें। चलिए ठीक है बाद में मिलते हैं आपसे। बिल्कुल रेडी हो गया ये देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है, देख रही ऊपर से ये चीखना भी आ गया, ये देखिए ये ग्रेवी इसकी देखे कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी बनी है, ये आप लोग देख सकते हैं ये देखे, और खुशबू भी इतनी ज़बरदस्त आ रही है ना। अब ये गेस्ट जो आए हुए हैं वो आपको खा के बताएंगे कि कैसे कैसा बना है, इसके साथ नान बनाएंगे, इसके साथ नान मंगवाने लगी हूँ, नान वगैरह करूँगी गेस्टों के लिए, नान के साथ खाएंगे। सॉरी आप लोगों को हम चैनल नहीं दिखा पाए, अब कल करेंगे हम लोग नूडल का और फिर आपको दिखाएंगे।
जी। और प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताना कि आपकी वीडियो कैसी लगी और कोरमा कैसा बना, और बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट करें। अभी हमारे तरीके का कोरमा बना के देखना और बताना कैसा कोरमा लगा। मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। जी जी, यूट्यूब वाली मेरी फैमिली, ये देखें, ये मेरा भांजा है और इनकी ये वाइफ है। ये देखें, ये बड़ी क्यूट सी है, बड़ी प्यारी है। ये देख ले, हेलो कर दे आप। और ये खाना वगैरह खा रहे हैं, ये देखें। और ये मेरी भांजी भतीजी है जो आगे भी आपसे बात की है, जिन्होंने आगे भी आपसे, और ये इनके हस्बैंड है साथ में। तो ये खाना वगैरह रखा हुआ, ये खाना खा रही है। इधर 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 भी कैमरा, और इधर देखो मेरी बहन बैठी हुई है बड़ी। हेलो, कैसे हैं आप गाइस? अभी ये खा के आपको बताएंगे कि कोरमा कैसा लगा इनको। वगैरह गई थी, फोन चार्जिंग होने वाला था, इसलिए मैंने फिर बिरयानी की रेसिपी आपको नहीं दिखाई। लेकिन ये आप देख सकते हैं बच्चे कोरमा खा रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे, इनसे बात करें। हाय कर दो भी, हाय कर दो। और ये नन्ना मुन्ना बच्चा देख लें, ये देख लें, ये मुझे कह रहा था नाना मैंने वो खाना है, आप देख रहे हैं दूध पी रहा है, बात भी नहीं कर रहा। ये देखो जरा, ये देख लें, ये अभी बैठे हुए हैं, हेलो कर रहे हैं, हाय। ये देखो आपको हाय कर रहा है, ये देखे, हाय कर दो, पारी भी कर दो, पारी भी कर दो, पप्पा कर दो, पारी भी कर दो, बेटा कर दो, अर्धा कर दो जल्दी से। आप नोज का बताओ, आपकी अभी जरा वो शर्मा रहा है, छोटा बेबी बहुत ज्यादा शर्मा रहा है। ये देखे भतीजा, ये देख ले, अभी इन्होंने खाना स्टार्ट नहीं किया, अभी खाना स्टार्ट करने वाले हैं। और ये टीना है, आप देख सकते हैं, वो टीना को तो आप जानते ही हैं, वो वीडियो वगैरह बनाती रहती हैं। ओके भाई, हम ये व्लॉग अब खत्म करते हैं, और अंजलि बहुत ज्यादा शर्मा थी। अल्लाह हाफिज़।